नमस्कार दोस्तों, शुगर के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ शुगर यानी कि मधुमेह के बारे में। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे मधुमेह के पेशेंट हैं यानी कि शुगर के पेशेंट हैं, गर्मी के मौसम में एक तो वो पानी ज़्यादा पी रहे हैं क्योंकि प्यास बार बार लग रही है और इसकी वजह से उन्हें बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं पेशेंट के ऊपर कि आखिर ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मिक्सचर है या कैसा कौन सा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जिसको कि यूज़ करके मधुमेह यानी कि शुगर के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो बार बार पेशाब करने की जाने की जो प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपने फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके तो हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए ये बात कर लेते हैं अपने डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीजों के लिए। शुगर के मरीजों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है तीन चीजों से, पॉलीयूरिया यानी कि बार बार पेशाब आना, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया यानी कि बार बार भूख लगना और बार बार प्यास लगना। और इसी वजह से बार बार प्यास लगने की वजह से उन्हें बार बार पानी पीना पड़ता है और बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है यानी कि सुसु करने जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम होती है मेनली फीमेल्स में क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और हम गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। और अक्सर महिलाएं जब भी ट्रैवलिंग के दौरान जब पानी ज़्यादा पी लेती हैं तो उनको बार बार यूरिन करने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये मेल को भी प्रॉब्लम होती है बट फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बार बार यूरिन करने के लिए उन्हें संसाधन नहीं मिलते या सुलभ शौचालय भी नहीं मिलते तो उनको बार बार यूरिन करने जाने में बहुत सारी दिक्कत आती है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं, सर पानी भी हम पी रहे हैं, बहुत प्यास लगती है और हम यूरिन कर करके यानी कि पेशाब कर करके हम परेशान हो चुके हैं, हम कितनी बार जाएं, रात में उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, कहीं जा रहे हैं तो हमें दिक्कत, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, कोई मेहमान आ गए और एक दो घंटे बैठ गए तो हमें उठना पड़ जाता है उनके सामने से, हम क्या करें। उन सभी मधुमेह रोगियों के लिए, उन सभी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मिक्सचर है, बहुत ही खास कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है जो आती है MDHL कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है MDHL की तरफ से डायबेनो मिक्सचर। डायबेनो मिक्सचर वर्क करता है मधुमेह रोगियों के लिए यानी कि डायबिटीज पेशेंट्स के ऊपर और खास तौर से जिनको बार बार पेशाब जाने की दिक्कत होती है, बार बार सुसु जाना पड़ता है, उनको यूरिन करना पड़ता है, उस पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बात करें इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की, उसमें कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन क्या क्या कॉम्पोनेंट है, सबसे पहले जो इसमें मेडिसिन आती है वो आती है साइजेनियम जम्बोलिकम यानी कि जामुन से बना हुआ एक मेडिसिन है, जामुन के बीज से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक मेडिसिन है, मदर टिंचर फॉर्म में पड़ा हुआ है। और जामुन आप सभी जानते हैं, हम खुद ही घर में, हमारे घर में जो भी लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो जामुन का मौसम आते ही जामुन लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। बट आप 12 महीने जामुन का सेवन नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें जामुन के बीज का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है तो आपको इजीली आपको जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें अब्रोमा अगस्टा। अब्रोमा अगस्टा अगेन एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है, डायबिटीज को कम करता है, साथ ही साथ जो उन्हें तीन मेजर सिम्टम बताए, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना और बार बार यूरिन का आना, इन तीनों पे ही काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है टर्मिनेलिया चेबुला, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में पड़ा हुआ और ये डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, जो पेनक्रियास से जो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है जो कम हो गया है उसको इरिटेशन यानी कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को इरिटेट करके रिलीज कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन मदद करता है आपकी ताकि आपकी जो शुगर है, डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ईगल फोलिया, अगेन एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो डायबिटीज यानी कि मधुमेह के पेशेंटों के लिए काफ़ी रामबाण औषधि है, जो शुगर का लेवल है ब्लड में उसको कम करता है, साथ ही साथ बार बार जो पेशाब करने की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसको भी कम करता है, उसको भी कंट्रोल कर देता है। तो काफ़ी अच्छा चार मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आपकी जामुन है इसमें,
अब्रोमा अगस्टा है, टर्मिनोलिया चबुला है, साथ ही साथ इसमें ईगल फोलिया मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। बात करें इसको किसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसकी 10 से 12 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार यूज़ करेंगे तो आप तो आपकी जो है डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और जो बार बार पेशाब आने की समस्या है उससे भी आप छुटकारा पा जाएंगे। अगर आपको ये मेडिसिन पसंद आई और परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.shrihomeocenter.com पर जाकर के आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये मेडिसिन पसंद आई और चाहते हैं आप अपने किसी परिचित जिनको कोई डायबिटीज यानी कि शुगर की समस्या है उनको शेयर करिए ताकि वो इस मेडिसिन के बारे में जान सकें और जो मधुमेह की समस्या है, शुगर की समस्या है, उससे जल्द से जल्द छुटकारा पा जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लीजिए, काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने बनाई हैं हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड, आपको उम्मीद है पसंद आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you.